हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम श्रवण सिंह है और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्मार्ट सिटी गाइड में। पिछली वीडियो में आपने देखा था कि इंडिया में कौन से ऐसे 10 एक्सप्रेसवेज हैं जो कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, और वो सभी एक्सप्रेसवे इंडिया की इकोनॉमी को बढ़ाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने वाले हैं। और अगर आपने इस वीडियो का Part-1 नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाके देख सकते हैं या ऊपर आई बटन पे आप जाके देख सकते हैं। लेकिन हमारे देश में 10 से ज्यादा एक्सप्रेसवेज वर्तमान में अंडर कंस्ट्रक्शन है, और इस Part-2 वीडियो में हम बात करेंगे कि वो कौन कौन से एक्सप्रेसवेज हैं जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है और आने वाले भविष्य में हमारे देश की आर्थिक स्थिति को एक नई ऊंचाई पे लेके जाएंगे और भारत 2024 तक $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन पाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। नंबर 10 पे बात करते हैं AIIMS दीघा एलिवेटेड कॉरिडोर की। AIIMS दीघा एलिवेटेड कॉरिडोर बिहार राज्य के पटना शहर में बनाया जा रहा है, जो कि AIIMS के पास NH-98 बाईपास को दीघा से कनेक्ट करेगा। इसकी कुल लंबाई 11.9 किलोमीटर है और ये 4 लेन का कंट्रोल्ड एक्सेस हाईवे होगा। इस AIIMS दीघा एलिवेटेड कॉरिडोर को बनाने की कुल लागत 1231 करोड़ रुपए है, और इस एलिवेटेड कॉरिडोर के बन जाने के कारण पटना से उत्तर बिहार की तरफ जाने वाले लोगों को काफी आसानी होगी। और साथ ही साथ ये AIIMS दीघा एलिवेटेड कॉरिडोर एक दूसरे अन्य प्रोजेक्ट का भी हिस्सा है, जिसका नाम है लोकनायक गंगा पथ, जिसकी चर्चा हम अगले पॉइंट में करेंगे। तो ये AIIMS दीघा एलिवेटेड कॉरिडोर और लोकनायक गंगा पथ दोनों मिलके एक बाईपास का काम करेंगे, जिसके कारण पटना शहर के अंदर लोगों को ट्रैफिक की समस्या से राहत मिलेगी। इस AIIMS दीघा एलिवेटेड कॉरिडोर का 98% काम अभी कम्प्लीट हो चुका है और इसी साल यानी कि 2020 में इसको आम पब्लिक के उपयोग के लिए खोल दिया जाएगा। अब 9th नंबर पे बात करते हैं लोकनायक गंगा पथ या गंगा ड्राइववे के बारे में, जिसको कि पटना का मरीन ड्राइव के नाम से भी जाना जाता है। ये लोकनायक गंगा पथ पटना के दीघा से दीदारगंज के बीच में बनाया जा रहा है, जिसकी कुल लंबाई 21.5 किलोमीटर है और ये 4 लेन का कंट्रोल्ड एक्सेस हाईवे होगा। इस एक्सप्रेसवे को बनाने की कुल लागत 2235 करोड़ रुपए है, और इस गंगा पथ एक्सप्रेसवे को गंगा नदी के किनारे बनाया जा रहा है, इसीलिए इसे पटना का मरीन ड्राइव के नाम से भी जाना जाता है। ये गंगा पथ और AIIMS दीघा एलिवेटेड कॉरिडोर दोनों मिलकर पटना शहर के लिए नए बाईपास का काम करेंगे। इससे पटना शहर के अंदर वाहन का दबाव कम होगा और ट्रैफिक की समस्या से भी लोगों को राहत मिलेगी। दीघा से दीदारगंज तक बन जाने के बाद इसका सेकेंड फेज, जो कि दीदारगंज से फतुहा तक होगा, 18 किलोमीटर का सेक्शन होगा, उस पे काम शुरू किया जाएगा। और फेज 1 तथा फेज 2 दोनों की कुल लागत लगभग 5600 करोड़ रुपए आंकी गई है। इस लोकनायक गंगा पथ का 7.6 किलोमीटर का सेक्शन एलिवेटेड होगा। ग्राउंड लेवल पे इस लोकनायक गंगा पथ का काम अभी चल रहा है और 2021 तक इस एक्सप्रेसवे को पूरी तरीके से बन जाने की उम्मीद है। अब हम 8वें नंबर पे बात करते हैं लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे के बारे में, जिसको कि उत्तर प्रदेश में लखनऊ और कानपुर शहर के बीच बनाया जा रहा है। इस एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 66 किलोमीटर है और ये 4 लेन का कंट्रोल्ड एक्सेस हाईवे होगा, जिसको कि फ्यूचर में 6 लेन तक एक्सटेंड किया जा सकता है। इस एक्सप्रेसवे के बन जाने के बाद उत्तर प्रदेश के 2 सबसे बड़े शहर लखनऊ और कानपुर के बीच कनेक्टिविटी और भी अच्छी हो जाएगी, और लखनऊ से कानपुर तक का सफर अधिकतम 40 मिनट में पूरा किया जा सकेगा। इस एक्सप्रेसवे को बनाने की कुल लागत लगभग 4500 करोड़ रुपए है और 90% भूमि अधिग्रहण का काम भी पूरा हो चुका है, और उम्मीद है कि यह 2022 तक बनकर तैयार हो जाएगा। अब हम 7वें नंबर पे बात करते हैं गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के बारे में। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे को गोरखपुर से आजमगढ़ के पास बने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से कनेक्ट किया जाएगा। इस एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 91 किलोमीटर होगी और ये 4 लेन का कंट्रोल्ड एक्सेस हाईवे होगा। इस एक्सप्रेसवे को बनाने की कुल लागत 5876 करोड़ रुपए है। इस एक्सप्रेसवे के बन जाने के बाद गोरखपुर से लखनऊ तथा गोरखपुर से दिल्ली तक का सफर बहुत ही कम समय में पूरा किया जा सकेगा। लगभग 10 घंटे के समय में लोग गोरखपुर से दिल्ली तक का सफर पूरा कर पाएंगे। इस एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण का काम शुरू हो चुका है और फरवरी 2020 तक लगभग 70% लैंड एक्विजिशन कंप्लीट हो चुका है, और 2023 तक ये गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे बनके तैयार हो जाएगा। अब हम 6ठे नंबर पे बात करते हैं बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के बारे में। जी हाँ,
यह एक्सप्रेसवे भी उत्तर प्रदेश राज्य में बनाया जा रहा है। यह बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे चित्रकूट से इटावा तक बनाया जाएगा और इटावा में ये आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से इंटरचेंज द्वारा कनेक्ट हो जाएगा। इस बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 296 किलोमीटर होगी और ये 4 लेन का कंट्रोल्ड एक्सेस हाईवे होगा। इस बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को बनाने की कुल लागत लगभग 15,500 करोड़ रुपए होगी। इस एक्सप्रेसवे के बन जाने के कारण उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड इलाका दिल्ली से कनेक्ट हो पाएगा और बुंदेलखंड के लोगों के लिए विकास का एक नया अध्याय शुरू होगा। फरवरी 2020 तक 95% भूमि अधिग्रहण का काम पूरा हो चुका है और 29 फरवरी 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया जा चुका है और 2022 तक यह एक्सप्रेसवे पूरी तरीके से बनके तैयार हो जाएगा। इसके बाद उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे का जाल कुछ इस प्रकार होगा और उत्तर प्रदेश इंडिया में सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे लेंथ वाइज होल्ड करने वाला स्टेट होगा, जो कि अभी भी है। इसके बाद पांचवे नंबर पे बात करते हैं FNG एक्सप्रेसवे के बारे में। FNG एक्सप्रेसवे का पूरा नाम है फरीदाबाद नोएडा गाजियाबाद एक्सप्रेसवे और इसको दिल्ली NCR रीजन में बनाया जा रहा है। यह एक्सप्रेसवे फरीदाबाद से नोएडा होते हुए गाजियाबाद तक जाएगी। इस एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 56 किलोमीटर है और यह 6 लेन का कंट्रोल्ड एक्सेस हाईवे होगा, जिसको कि फ्यूचर में 8 लेन तक एक्सटेंड किया जा सकता है। इस FNG एक्सप्रेसवे के बन जाने के बाद फरीदाबाद से गाजियाबाद की दूरी को 40 मिनट में पूरा किया जा सकता है, जो कि आज के डेट में लगभग 1.5 से 2 घंटे का समय लग जाता है ट्रैफिक कंजेशन के हिसाब से, और फरीदाबाद से नोएडा की दूरी को 20 मिनट में पूरा कर पाएंगे। इस एक्सप्रेसवे के बन जाने के बाद गाजियाबाद और नोएडा में काम करने वाले लोग समय पे ऑफिस पहुंच पाएंगे, जिसके कारण एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी दोनों में इजाफा होगा। इस एक्सप्रेसवे को बनाने की कुल लागत 6,330 करोड़ रुपए है। ग्राउंड लेवल पे इस फरीदाबाद नोएडा गाजियाबाद एक्सप्रेसवे का काम भी शुरू हो चुका है और उम्मीद है कि 2022 तक ये बनके तैयार हो जाएगा। अब हम चौथे नंबर पे बात करते हैं बीजू एक्सप्रेसवे के बारे में। यह बीजू एक्सप्रेसवे उड़ीसा राज्य में बनाया जा रहा है, जो कि चांदली विलेज कोरापुट डिस्ट्रिक्ट को राउरकेला से कनेक्ट करेगा। इस एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 656 किलोमीटर होगी, जिसका निर्माण 2 फेज में किया जाएगा। फेज 1 में 254 किलोमीटर का 4 लेन रोड होगा और 402 किलोमीटर का 2 लेन रोड होगा। फेज 2 में 402 किलोमीटर 2 लेन रोड में से 258 किलोमीटर 4 लेन में कन्वर्ट किया जाएगा। इस एक्सप्रेसवे को बनाने की कुल लागत 3,630 करोड़ रुपए है, लेकिन यह एक्सप्रेसवे अंतरराष्ट्रीय मापदंडों के अनुसार एक्सप्रेसवे नहीं कहा जाएगा, क्योंकि यह पूरी तरीके से कंट्रोल्ड एक्सेस नहीं है। अब तीसरे नंबर पे बात करते हैं कोस्टल रोड मुंबई के बारे में। यह कोस्टल रोड महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में उत्तर से दक्षिण की तरफ समुद्र के किनारे बनाई जाएगी, जिसकी कुल लंबाई 29.2 किलोमीटर होगी और ये 8 लेन का कंट्रोल्ड एक्सेस हाईवे होगा। इसको 2 फेज में कंप्लीट किया जाएगा। सबसे पहले साउथ सेक्शन का काम होगा, जिसकी लंबाई 9.98 किलोमीटर है। इसके बाद नॉर्थ सेक्शन का काम होगा, जिसकी लंबाई 19.3 किलोमीटर है। फेज 1 प्रिंसेस स्ट्रीट फ्लाईओवर से स्टार्ट होकर बांद्रा वर्ली सीलिंग तक जाएगी और फेज 2 बांद्रा से स्टार्ट होकर कांदीवली तक जाएगी, और फेज 2 में ही 9.5 किलोमीटर का वर्सोवा बांद्रा सीलिंग का भी निर्माण होगा। इस कोस्टल रोड को बनाने में कुल 12,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे और इस प्रोजेक्ट को बनाने में 415 एकड़ का लैंड रिक्लेमेशन भी होगा। इस कोस्टल रोड प्रोजेक्ट के बन जाने के बाद मुंबई में ट्रैफिक व्यवस्था में बहुत ही बड़ा सुधार होगा और इस कोस्टल रोड पे एक्सपेक्टेड है कि प्रतिदिन 1,30,000 गाड़ियां चलेंगी और कांदीवली से प्रिंसेस स्ट्रीट फ्लाईओवर तक का सफर आधे घंटे में पूरा किया जा सकेगा, जो कि बहुत बड़ा बदलाव होगा, क्योंकि आज के डेट में ये सफर 2 घंटे में पूरा किया जाता है या इससे भी ज्यादा। मुंबई जैसे महानगर के लिए यह परियोजना बहुत जरूरी है। अब दूसरे नंबर पे बात करते हैं पठानकोट अजमेर एक्सप्रेसवे के बारे में, जो कि पंजाब के पठानकोट से राजस्थान के अजमेर तक बनाया जाएगा और ये 8 लेन का कंट्रोल्ड एक्सेस हाईवे होगा, जिसकी कुल लंबाई 600 किलोमीटर होगी। इस एक्सप्रेसवे को बनाने में 8,000 करोड़ की कुल लागत आएगी। इस पठानकोट अजमेर एक्सप्रेसवे का भटिंडा से अजमेर तक का सेक्शन NHAI ने अप्रूव कर दिया है और ग्राउंड लेवल पे जल्द ही काम शुरू होने वाला है। इस एक्सप्रेसवे के बन जाने के बाद पठानकोट से अजमेर तक की दूरी को लगभग 6 घंटे में पूरा किया जा सकेगा। अब पहले नंबर पे बात करते हैं अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे के बारे में, जिसको कि पंजाब के अमृतसर से गुजरात के जामनगर के बीच बनाया जा रहा है। इस एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 1,316 किलोमीटर है और ये पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात से होकर गुजरेगी। अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे 6 लेन का कंट्रोल्ड एक्सेस हाईवे होगा और यह एक्सप्रेसवे अमृतसर से जामनगर के बीच की दूरी को 10% तक कम कर देगा। इस एक्सप्रेसवे को बनाने की कुल लागत 80,000 करोड़ रुपए है। राजस्थान
राजस्थान और हरियाणा राज्य में इस एक्सप्रेसवे पे काम स्टार्ट हो चुका है। यह एक्सप्रेसवे भारतमाला परियोजना के अंतर्गत आता है और 2024 तक इसका काम पूरा हो जाएगा। तो हमारे देश में अंडर कंस्ट्रक्शन एक्सप्रेसवे का पार्ट 2 यहीं पर समाप्त होता है। आने वाले अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हमारे देश में वो कौन से अपकमिंग प्रपोज्ड एक्सप्रेसवेज हैं जिसपे की अभी काम स्टार्ट होना बाकी है और जो भारतमाला परियोजना के फेज 1 और फेज 2 के अंतर्गत आते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।